अमरोहा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नौगांव सादात की विधायक और उनकी पत्नी संगीता चौहान ने फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान संगीता चौहान ने रेलवे स्टेशन के पास कुष्ठ आश्रम में फल बांटे। वहीं विधायक ने गांव करणपुर माफी में डीएम और एसपी और भाजपाइयों के साथ वृक्षारोपण भी किया। बता दें ये कार्यक्रम विधायक संगीता के स्वर्गीय पति की आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया गया। मेरे पति यहाँ से 91 से सांसद रहे, आज उनका जन्मदिन के उपलक्ष पे आज हम लोगों ने एक हसनपुर तहसील में जहाँ उन्होंने पेड़ लगाया था आखिरी, वहाँ पे एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा था। तहसील का जो है निर्माण वो करणपुर माफी में हो रहा है, जो कि हमारी विधानसभा में आती है लेकिन हसनपुर के लिए, और क्योंकि हमारी कॉमन तहसील है तो एक वहाँ पर तहसील बन रही है, एक तहसील अभी नौगांव में बनने जा रही है जो बादशाहपुर में होगी, और एक कार्यक्रम आज हमारी चेयरमैन शशि जैन जी के सौजन्य से यहाँ पर कुष्ठ रोगियों के बीच में हुआ है। और यदि और इनकी कोई तकलीफ हो वो भी समझ के हम लोग इनके लिए जो भी कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। और एक कार्यक्रम हमने नौगांव में रखा है, जो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहाँ भी रखा है। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं किसी को परेशानी ना हो। मेरे पति कोरोना में गए और ये जो हमारी व्यथा हुई किसी की ना हो ये मैं चाहूँगी, और अपने क्षेत्र की जनता को अपील करूँगी कि मास्क पहने, टीकाकरण कराएं और 2 गज की जरूरी जरूर रखें।